नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और मैं हूँ आपके साथ माधुरी तिवारी। दागी नेताओं पर दाव क्यों? जी हाँ, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि एटीआर ने चुनाव से जुड़ी अहम जानकारी दी है। एटीआर की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 2534 उम्मीदवारों में से 472 यानी 19% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। एटीआर डेटा के अनुसार जिन उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र के दौरान दिए गए एफिडेविट में खुद ही अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का जिक्र किया, उनकी संख्या 291 है। एडीआर ने अपने विश्लेषण में बताया कि कांग्रेस के 230 उम्मीदवारों में से 121 यानी 53% ने अपने हलफनामे में आपराधिक मामले दर्ज होने का जिक्र किया है। वहीं 61 यानी कि 27% ने गंभीर आपराधिक मामले दर्ज होने की बात मानी है। बात बीजेपी की करें तो इसके 230 उम्मीदवारों में से 65 यानी 28% ने खुद ही अपने खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को स्वीकार किया। वहीं 23 उम्मीदवार यानी कि 10% ने अपने खिलाफ दर्ज गंभीर आपराधिक मामलों की जानकारी दी है। चुनाव लड़ रहे 24 उम्मीदवारों ने बताया कि उनके खिलाफ महिलाओं के खिलाफ अपराध से संबंधित मामले दर्ज हैं। इनमें से एक उम्मीदवार ने आईपीसी की धारा 376 के तहत बलात्कार से संबंधित केस होने की जानकारी दी। इसके अलावा 10 उम्मीदवारों ने अपने हलफनामे में हत्या के संबंधित मामलों की घोषणा की है। 17 उम्मीदवारों ने हत्या के प्रयास से संबंधित मामलों की घोषणा की है। मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को वोटिंग होनी है, ऐसे में यहां पर तमाम सवाल उठ रहे हैं कि दागी नेताओं पर दांव क्यों खेला जा रहा है। बता दें आपको, कई नेताओं पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के नेताओं की बात करें या कांग्रेस की, सभी नेताओं पर अब दागी होने का आरोप लग रहा है। दागियों में कांग्रेस के प्रत्याशी भी पीछे नहीं है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी से आपका परिचय करवा देते हैं। आरके मिश्रा जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव नेता कांग्रेस हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। और अमनप्रीत कौर जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आरके मिश्रा जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, बीजेपी को इतना हार का डर क्यों सताने लगा कि 175 आपराधिक मामले झेल रहे सुरेंद्र जी को टिकट दे दिया गया? माधुरी जी, यहाँ पर बात हारने की नहीं है। जब आप सामाजिक क्षेत्र में होते हैं या राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर में बहुत सारे ऐसे जो केस हैं, बहुत सारे ऐसे जो है सो आरोप लगते रहते हैं। तो मैं ये चीज नहीं कह रहा हूँ जो कि दागी नेताओं को बीजेपी ने टिकट दे दिया तो कहता हूँ जो फिर इसका मतलब कांग्रेस भी जो है सो कम हो रही है। आपने कांग्रेस के ऊपर में देखा होगा कम से कम 53%, इसमें 230 उम्मीदवार में 121 पर जो आपराधिक मामले दर्ज हैं और वो और गंभीर मामले में भी के उम्मीदवार के ऊपर की बात करें तो मैं देख रहा हूं जो कि 28% उम्मीदवार की तक आपराधिक मामले हैं उसमें भी जो 10% है देखेंगे उसमें 30% का हिसाब किताब है। ये चीज नहीं कह रहा हूँ जो कि अपराधिक वाले जो व्यक्ति हैं उनको आप हमने टिकट दिया या ऐसी कोई बात। देखिए, जब आप सामाजिक क्षेत्र में होते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में होते हैं तो इस तरह के आरोप आप लगते हैं। वैसे इलेक्शन कमीशन ने इस चीज के लिए जरूर कहा है जो किसी भी आपराधिक मामले में अगर कोई भी संलिप्तता या आपके ऊपर कोई आरोप तो नए नियम के तहत आपको कम से कम 3 बार अखबारों में टेलीविजन के माध्यम से आपको देना पड़ेगा, इसकी जानकारी देनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है जो कहीं ना कहीं भाजपा को भी इस चीज का डर नहीं है, लेकिन जरूर आप सामाजिक क्षेत्र में जब होते हैं तो इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। लेकिन सर यहाँ पर कांग्रेस की बात नहीं की जा रही है ना, 175 आपराधिक मामले दर्ज है सुरेंद्र पटवा पर। देखिए, आप जो 175 मामले की बात कर रही हैं, मैं कह रहा हूँ, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ जब सामाजिक ऐसी भी क्या मजबूरी थी सर? नहीं नहीं, मजबूरी की बात नहीं है, बात ये है जो कि या तो आरोप पूरी तरह से तय हो जाए तब जाकर के बात बने जो कि हाँ ठीक है इनके ऊपर में 175 आरोपों के ऊपर में इनको सजा मिल चुकी है। तो बात ये नहीं है जो कि मैं कह चुका हूँ, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और हम लोग भी जब आपको इस तरह के क्षेत्रों में है, राजनीतिक क्षेत्रों में है तो हम लोगों के ऊपर में भी आरोप लगते रहते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ
क्योंकि हमने इनको टिकट दे दिया या बीजेपी को हार का डर था इसलिए हमने इनको टिकट दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है जो कि इसको भी थोड़ा सा अलग नजरिए से भी देखना चाहिए। जी ठीक है। हमारे साथ डॉक्टर अरुणेश यादव जी भी जुड़े हुए हैं, नेता हैं कांग्रेस के। सर मेरा आपसे सवाल है, सवाल भी मैं क्या करूं, आपकी पार्टी भी इस मामले में पीछे नहीं है, कई ऐसे दागी नेताएं हैं, नेता है जिनको टिकट दिया गया है। देखिए मैम, इसमें पहली बात तो हमें ये समझनी पड़ेगी जी, मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल से किसकी सरकार है जी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो जाहिर सी बात है कि जो विपक्ष के नेता होंगे, और विपक्ष के रूप में हमारी पार्टी है, तो हमारे नेता अगर बीजेपी के सरकार पे सवाल करेंगे तो जाहिर सी बात है उसमें जो है केस लगेंगे। लेकिन मुख्य बात इसमें देखने वाली ये है कि बीजेपी के नेताओं के ऊपर भी आरोप है, और वो आरोप किस तरह के हैं वो भी देखने समझने की जरूरत है कि वो आरोप सिर्फ राजनीति से प्रेरित है या गुंडागर्दी के हैं या फिर हत्या के हैं। आरोपों का एक बार प्रारूप भी देखने की जरूरत है। और दूसरा, ये इस समय कहते हैं ना कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, कि जो चीज सामने हो रही है उसको प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी के लिए उनके बेटे का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, वो मध्य प्रदेश में हर किसी व्यक्ति ने देख लिया है, और मामला कोई एक दो हजार का, एक दो करोड़ का नहीं है, 10,000 करोड़ का मामला है। और जो रिश्वत लेने देने वाला व्यक्ति है वो तो साफ कबूल रहा है, वो कह रहा है कि साहब हाँ मैं लाइजनिंग करवाता हूँ, अपना उसने नाम पता भी सब बताया है, वो कह रहा है किसी भी तरीके का ये फेक वीडियो नहीं है। और उसमें आप एक बात और देखिए कि उस पर कोई जांच भी नहीं हो रही, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि इस समय काम वो हो रहा है जो एक कहावत है ना कि साहब चोरी और सीना चोरी वाला, कि सत्ताधारी दल जो है वो इस समय ऐसे लोगों को बढ़ावा भी दे रहे हैं। और नरेंद्र तोमर जी ने कोई भी अभी तक मीडिया में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया अब तक कि वो आरोप झूठे हैं, सच्चे हैं, क्या है। एटलीस्ट सरकार में आप हैं, आप सत्ता में हैं, तो आपको एक जवाबदेही आपकी बनती है, क्योंकि सवाल आपसे होंगे, आपके ऊपर आरोप लग रहे हैं। ठीक है, सवाल सरकार से होंगे, सत्ता में बैठी सरकार से सवाल होंगे, लेकिन विपक्ष में तो आप है ना, 230 उम्मीदवार टोटल और 121 उम्मीदवार जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, इस पर जवाब दे दीजिए। नहीं, जवाब तो हमने दे दिया ना कि इसमें 90% जो आरोप हैं वो राजनीति से प्रेरित हैं। सर ऐसे तो हवा में तो आरोप नहीं लगे ना, आरोप तो लगे हैं ना। अब मैम आप बात तो सुनिए, हम लोग सवाल करते हैं, सवाल करने वाला तो आरोप के घेरे में आता ही है। आप देख लो ना कि जो बीजेपी में, जो नेता बीजेपी में शामिल हो जाता है फिर उसके आरोप सब खत्म हो जाते हैं, वो फिर पाक साफ हो जाता है। ताजा उदाहरण आपके सामने अजीत पवार जी, अजीत पवार जी के ऊपर भी 1,000 करोड़ रुपए के आरोप थे। अब वो हमारे जो नेता हैं मध्य प्रदेश के, जो नेता इनके पार्टी में शामिल नहीं हुए, नहीं बिके, उन नेताओं के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। और इसमें तो एक न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया के जरिए जिस जो आरोपी सिद्ध होंगे उनको सजा होगी, और जिस जो आरोपी सिद्ध हो जाएंगे तो उनको फिर चुनाव नहीं उतारा जाएगा। अभी तो सिर्फ उनके ऊपर केस हुए हैं। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि सामने का मामला है, नरेंद्र तोमर जी के ऊपर तो सामने आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो जवाब तक देने को तैयार नहीं है। हमारे तो जो भी प्रत्याशी है जिनके ऊपर जो आरोप है वो तो बकायदा मीडिया के सामने आके अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारे ऊपर कौन सा आरोप जो है वो किस तरीके से लगाया गया है और उसमें क्या चीजें रही हैं। हमारे प्रत्याशी ऐसे भाग नहीं रहे हैं मीडिया से। जी ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक रुद्र प्रताप जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बीजेपी या कांग्रेस या फिर अन्य पार्टियों की भी बात कर लें, दागी नेताओं पर ही दाव क्यों चला जा रहा है, किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको, इस राजनीति को? का जो माहौल बना है वहाँ जो पार्टियां देख रही हैं कि जो प्रत्याशी चुनाव जीत सकता है वो उन्हीं के साथ जाती हैं, उसमें उनके लिए कोई मायने नहीं रखते हैं कि वो उनका पिछला रिकॉर्ड क्या है, वो दागी हैं या कैसे हैं, क्योंकि चुनाव का पूरा समीकरण आज के समय में बदल गया है। आज के डेट में धन बल सारा समीकरण लगाने के बाद ही प्रत्याशी चुनाव में आता है। और अब तो आपने देखा होगा कि पार्टियों ने एक नई तकनीक ईजाद कर दी है कि वो मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे नेता दागी हैं या हमारे नेताओं के ऊपर कोई आरोप है।
वो तो बस अपनी बारी आएगी तो बोल करके निकल जाते हैं कि ये कानून का मामला है, कानून फैसला देगा, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। तो जब आप कानून की ही बात करते हैं तो दूसरे पर आरोप क्यों लगाते हैं? आज आप देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के तीन तीन चार चार लोग जेल में हैं, लेकिन क्या आम आदमी पार्टी उनको मानती है कि उन्होंने कोई अपराध किया है? तो जब अपराध आप मानने को तैयार ही नहीं है तो ये सवाल ही खड़ा नहीं होता है, क्योंकि दागी जनता कह रही है, आप सवाल पूछ रही है कि दागी है, वो तो मानते ही नहीं है कि दागी है हमारे प्रत्याशी। तो ये एक नई राजनीति की जो शुरुआत हुई है वो सबसे खतरनाक है, क्योंकि नैतिकता का तो आप सारा आधार ही खत्म हो चुका है, अब नैतिकता की तो कोई बात ही नहीं है। प्रत्याशी अगर चुनाव जीत जाता है, अभी जैसे शायद कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे अजीत पवार का, तो अजीत पवार के ऊपर जब आरोप लगे थे या अजीत पवार जो भी उनके ऊपर आरोप हैं, तब तो कांग्रेस के साथ सरकार में थे, तब क्या आप उनके साथ सरकार में बैठ कर एक चीज कह रहे थे? तब आप नहीं आरोप लगा रहे थे, लेकिन अब वो चूंकि आपके साथ नहीं है तो अब आप उनका नाम आगे ला रहे हैं। ऐसे ही बहुत सारे नेता हैं जिनके ऊपर आरोप हैं और पार्टी उनको बढ़ चढ़ करके आगे ला करके रख रही है। ईडी की कार्रवाई होती है तो बोलते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। तो अब ये सब चीजें बहुत आम हो जाती थी, पहले आप देखते थे कि नैतिकता के आधार पर लोग इस्तीफा देते थे। लेकिन सर ये प्रूफ कैसे होगा दागी नेताओं के बारे में, क्योंकि सभी पार्टियां ये कह रही है हमारे नेता दागी नहीं है, हमारे नेता दागी नहीं है। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये प्रूफ होने का ही तो बात है कि हर लोग एक दूसरे पर आरोप लगा करके बच जा रहे हैं, क्योंकि सभी लोग एक ही जैसे हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक पार्टी ऐसी है कि जिसके नेता दागी हैं या जिसके नेता दागी नहीं है, अब ये सब हो गया है। लेकिन इन लोगों ने एक नया ऐसा सिस्टम बना लिया है कि इसमें हमें मानना ही नहीं है कि हमारे लोग आरोपी हैं या हमारे लोग दागी हैं, उसको तो ये लोग मानने से ही अब मना कर दिए हैं। अब ये सीधा सा बोल देते हैं कि जब कोर्ट का डिसीजन आएगा, और कोर्ट का डिसीजन आपको पता है कि अपने देश में कैसे आता है, पता चलेगा कि पूरी उम्र निकल जाती है और डिसीजन ही नहीं आता है, तो उनको दागी मानेंगे कैसे? और दूसरे का ये लोग अगर किसी भी बात पे आ जाता है तो हर पार्टी एक दूसरे पार्टी को अगले दिन से उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू कर देती है। तो ये जो खेल चल रहा है वो राजनीति के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आने वाले समय में सिर्फ राजनीति में वही लोग बचेंगे कि जो ताकतवर होंगे, करप्ट होंगे, या जिन लोगों के ऊपर इस तरह के आपराधिक मामले होंगे। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर बहुत संगीन मामले हैं, जैसे उसमें से हत्या और बलात्कार जैसे मामले में है, लेकिन उन पे भी पार्टियां बचाव कर रही हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। जी ठीक है, आर के मिश्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर 175 मामले दर्ज हैं, बाकी नेताओं की तो मैं बात ही नहीं करूंगी, सुरेंद्र पटवा जी पर ही इतने मामले दर्ज हैं कि बाकी नेताओं का तो नंबर ही भूल जाइए। आप उनको बोल रहे हैं कि ये मामले सिर्फ ये आरोप हैं, लेकिन हवा में तो मामले दर्ज नहीं हुए ना, जांच तो चल रही है ना, इतनी भी क्या मजबूरी थी? बस इतना बता दीजिए कि आपके पास ऑप्शन नहीं था। आरके मिश्रा जी से हमारा संपर्क नहीं जुड़ पा रहा है, लेकिन डॉक्टर अरुणेश यादव जो कि कांग्रेस के नेता है हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप यहां पर बोल रहे हैं सत्ता में बैठी, क्या विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है? यहां पर विपक्ष ही बाकी नेताओं को टिकट दे रहा है। देखिए मैम, आप यहां पर अपराधों को लेकर मुद्दा बनाते हैं, अपराधों पर उंगली उठाते हैं, बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, यहां पर तो आप ही अपराधी नेताओं को टिकट दे रहे हैं। नहीं आप हमें ये बताइए। नहीं नहीं एक सेकंड, मेरे सवाल हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ना। आप कितने मुद्दे आए, अपराध के मुद्दे आए, वहां पर आपने अपराध का मुद्दा उठाया कि बीजेपी है सत्ता में, यहां पर अगर सत्ता अपराधियों के हाथ में चली जाएगी तो अपराध कैसे नियंत्रण होगा, ये मेरा सवाल है। मैंने आपको पहले भी कहा बड़ी जिम्मेदारी के साथ और अब भी कह रहा हूं जी। और जो हमारे साथी है रुद्र प्रताप जी, जो ये सवाल कर रहे हैं कि सीबीआई और ईडी और जब अजीत पवार जी विपक्ष में थे, तो मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या नरेंद्र तोमर के ऊपर भी जो अभी आरोप लग रहे हैं, जो उनका वीडियो जा रहा है, तो उस पर भी कुछ बात कहेंगे कि सारा का सारा जो रुद्र जी का जो ध्यान है वो कांग्रेस के ऊपर और विपक्षी गठबंधनों के ऊपर ही केंद्रित रहेगा, जैसे अभी आम आदमी पार्टी की भी इन्होंने चर्चा करी, लेकिन मैंने ये नहीं सुना कि इन्होंने कोई भी जरा सी भी एक भी बात बीजेपी को लेके की हो। हालांकि जो मुद्दे का विषय है वो इस समय मध्य प्रदेश चुनाव है, और मध्य प्रदेश चुनाव के मुद्दे पे ही बात की जाए तो ज्यादा बेहतर है कि आम आदमी पार्टी क्या कर रही है और क्या कर रहा है। यहाँ मेरा जो सीधा एक सवाल है वो है नरेंद्र तोमर जी को लेके कि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे, वो केंद्रीय कृषि मंत्री है, 10,000 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप है,
तमाम प्रमाण है, तमाम जो है गवाह भी है, सबूत भी है, तो अब सरकार किस बात की देरी कर रही है? सर आप यहाँ पे आरोप की बात कर रहे हैं, मेरा सवाल आपसे है, प्रधानमंत्री जी किस बात की देरी कर रहे हैं? जो प्रधानमंत्री जी कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो अब वो सारी बातें क्या सिर्फ विपक्ष के लिए हो जाती हैं कि जब विपक्ष के किसी नेता पे आरोप लगाना होता है तब तो साहब पढ़ चढ़ के बातें की जाती हैं, और जब अपने नेताओं की बात आ जाती है तो बैकफुट पे क्यों आ जाते हैं? और ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है नरेंद्र तोमर जी वाला, इससे पहले भी तमाम बीजेपी नेताओं के हत्या अपराध और इस तरह के उसमें मामले में नाम आते रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि तेलंगाना से टी राजा सिंह करके हैं एक नेता, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाला गया था, लेकिन चुनाव आते आते उनको टिकट दे दिया गया, वो भी जो है हिंसात्मक और भड़काऊ बयान दे रहे थे, वो पार्टी नहीं उन्हें 6 साल के लिए निकाल दिया था, अब देखिए अब उनको टिकट दे दिया गया है एमएलए का। तो इस तरह के जो डबल स्टैंडर्ड काम बीजेपी कर रही है, तो सवाल तो देखो उनसे बनते हैं। और हम तो ये कह रहे हैं ना कि हमारे अगर किसी नेता के ऊपर आरोप सिद्ध हो रहा है और कोई गंभीर आरोप है और अगर हमने उसको टिकट दिया है तो हमें आप बताइए, हमारी बकायदा पूरी स्क्रूटनी करके हमने टिकट्स दिए हैं, और जो भी टिकट जो भी आरोप है जिन जिन नेताओं पे, वो बकायदा पूरा स्पष्टीकरण देने को तैयार है। वो कांग्रेस यहाँ पर आरोप लगा रही है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में कहा था जितने भी सांसद होंगे, जिन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिन पर भी आरोप लगे हैं, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, उन बातों का क्या हुआ? देखिए माधुरी जी, अभी मैं अरनेश जी का, मेरे मित्र के बातें सुन रहा था, किस तरह का तर्क दे रहे हैं। अरे भाई आपने 230 उम्मीदवार उतारे हैं, 121 इसमें 53% जो आपराधिक मामले उसके ऊपर में घोषित हैं, उन्होंने खुद ही घोषित किए, जो कि अगर आपके ऊपर में कोई भी आपराधिक मामले हैं तो उसको आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, कि टेलीविजन के अंदर में भी और अखबारों के अंदर में भी, तीनों को भी पड़ेगा। दूसरी बात ये कह रहे हैं स्क्रूटनी करके, अरे भाई कोई भी पार्टी अगर किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती है तो बिना स्क्रूटनी के उम्मीद थोड़ी होगी, बीजेपी ने नहीं की है। सर अभी सवाल तो ये भी हो रहा है कि आपके एक प्रत्याशी ने के ऊपर तो 175 मामले दर्ज है, सवाल ये भी हो रहा है सर कि आपके एक प्रत्याशी के ऊपर 175 मामले दर्ज है। ठीक है आरके मिश्रा जी, आपकी ऑडियो में दिक्कत आ रही है, रुद्र प्रताप जी के पास आऊंगी मैं। सर चुनाव आयोग का ये कहना है कि, मेरा आपसे सवाल है रुद्र प्रताप जी, आप सुन रहे हैं? रुद्र प्रताप जी आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ सर, चुनाव आयोग का कहना है जिन पर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके जो नामांकन है वो रद्द किए जाएंगे, लेकिन कब ये प्रक्रिया होगी, क्योंकि 17 नवंबर को चुनाव है? नहीं, ये समय तो काफी पहले निकल गया है कि जो रद्द होने वाली, क्योंकि 17 नवंबर को तो चुनाव होते हैं, वो तो चुनाव में एक डेट होता है कि जो नॉमिनेशन का जो होता है स्क्रूटनी होती है, उसके बाद रिजेक्ट होते हैं, वो सब टाइम निकल गया है। तो लेकिन चुनाव आयोग भी कैसे कर सकता है? चुनाव आयोग के पास कोई ऐसा अधिकार थोड़ी है कि जिस अधिकार के चलते वो इस चीज को रिजेक्ट कर सकता है। जब तक उस पर कोई सख्त कानून नहीं बनाया जाएगा कि किस तरह के लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तब तक वो चुनाव आयोग के तो सर इसका प्रारूप क्या है? क्या ऐसे अपराधी वाले नेता सत्ता में बैठे रहेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी? क्योंकि बात एक पार्टी की नहीं है ना, सभी पार्टियों की बात है। मैं वही बात कह रहा हूँ कि जब सब पार्टियों ने इसी तरह के प्रत्याशियों का चुनाव करना शुरू कर दिया है और कानून भी उनके खिलाफ उन्हीं को बनाना है, तो ऐसा कौन करेगा? क्योंकि अगर वो सत्ता में आते हैं और कानून उन्हीं को बनाना है और वो कानून नहीं बनाएंगे तो ऐसी चीजें चलती रहेंगी। और जहां तक बात हो रही है, जैसे मान लीजिए कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सिंह तोमर की तो बात कह रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल और गहलोत की बात नहीं करेंगे,
ऐसे बीजेपी के लोग उनके ऊपर आरोप लगाएंगे तो ये आरोप प्रत्यारोप का तो दौर चलता ही रहेगा, ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। आपने आंकड़े में आपने बताया कि 50% से ज्यादा लोगों के पास गंभीर आपराधिक मामले हैं लेकिन उनको टिकट दिया गया है। तो ऐसे अगर पार्टियां करती रहेंगी एक दूसरे के खिलाफ और ऐसे चलता रहेगा, क्योंकि कानून भी इन्हीं को बनाना, और ये कानून बनाएंगे नहीं क्योंकि इनके लिए तो वही लोग आसान है ना जो चुनाव जीत करके इनके लिए आते हैं, और चुनाव जीतने के लिए वही लोग ज्यादा आज के डेट में समर्थ माने जाते हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले हों, जो भ्रष्टाचार में लिप्त हों, जिनके पास पैसा हो, जिनके पास पावर हो, वही तो चुनाव जीत करके आ सकते हैं। तो ये पार्टियों को बहुत आसानी से सूट कर रहा है और इसी के साथ पार्टियां आगे बढ़ रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा करके सिर्फ वो अपना बचाव कर रही हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसमें चुनाव आयोग की भूमिका बहुत ज्यादा बचती नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग वही काम कर सकता है कि जो संवैधानिक रूप से बने हुए कानून है उसी का पालन वो करवा सकता है, और उसको बनाने का काम भी तो राजनीतिक तौर पर ही होगा, उसका भी तो कानून पास कराना पड़ेगा। और कानून पास वो लोग क्यों करेंगे जिनके ऊपर खुद के आपराधिक मामले हैं? अगर इस तरह का कानून पास हो जाता है तो आधे देश की राजनीति खत्म हो जाएगी, क्योंकि लगभग आधे राजनीतिक लोगों के ऊपर खुद के अपराध हैं तो चुनाव खुद नहीं लड़ पाएंगे। तो इसलिए इस चीज को हम लोग नैतिकता के तराजू पर न तौले तभी ज्यादा सही है, क्योंकि नैतिकता अब राजनीति में बची नहीं है। अब सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगा करके अपनी सरकार चलाना है, और जो आदमी सरकार में है वो विपक्ष की के बारे में कह रहा है और जो विपक्ष में है वो सरकार के बारे में, बट कोई भी सच के साथ नहीं है। और अपराधीकरण तो एक फैशन सा बन गया है हर पार्टियों के लिए, तो ये दौर चलता रहेगा और चलता जाएगा जब तक जनता इसको लेकर के जागरूक नहीं होती है कि ऐसे पार्टी ऐसे प्रत्याशियों का वो खुद विरोध नहीं करती है, तब तक ये दौर चलता रहेगा। जी ठीक है, डॉक्टर अरुणेश यादव जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन सर यहाँ पर आपने रुद्र प्रताप जी की बातें भी सुनी, नैतिकता बची ही नहीं है राजनीति में। नहीं, रुद्र प्रताप जी ने बातें तो सारी गई, सवाल सब पे किए, लेकिन खुल के मैं देख रहा हूँ, पता नहीं हो सकता इनकी कुछ मजबूरी हो, बीजेपी से कोई सवाल नहीं किया, सवाल सारे कांग्रेस से हो रहे हैं। दो बार ये बोले लेकिन दोनों बार कहीं ना कहीं हमें दिखा कि सॉफ्ट कॉर्नर जो है हमारे बड़े भाई का वो हमें निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ दिखा। अब हो सकता है इनकी कोई मजबूरी हो, और जबकि मैं ये मानता हूँ सर, उन्होंने सभी पार्टियों की बात की है, केवल कांग्रेस की बात नहीं की है, कॉमन बात नहीं, देखिए कभी भी खुल के बीजेपी का नाम नहीं लिया, जबकि हमेशा सवाल जो मीडिया है, राजनीतिक विश्लेषक है, ये लोग लोकतंत्र का चौथा मजबूत स्तंभ माने जाते हैं, और इनका सबका काम होता है, विपक्ष का भी काम है कि सरकार की जो गलत नीतियां उनसे सवाल करना। नहीं, आपने छत्तीसगढ़ पे सवाल किया, अच्छा है, भूपेश बघेल जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनसे सवाल होना चाहिए। क्या भूपेश बघेल जी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया? क्या गहलोत जी ने उन सवालों का जवाब नहीं दिया? बात ये नहीं है कि अब भ्रष्टाचार हो रहा है या आरोप लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, बात ये है कि जिसके ऊपर आरोप लग रहे हैं, मैं जो बात कह रहा था रुद्र जी उस बात को समझ नहीं पाए, मैं ये कह रहा था कि जिसपे आरोप लग रहे हैं क्या वो आरोप का जवाब दे रहा है, क्या वो मीडिया में आके मीडिया को फेस कर रहा है? भूपेश बघेल जी ने मीडिया को फेस किया, गहलोत साहब ने फेस किया, सवालों का जवाब दिया, लेकिन क्या नरेंद्र तोमर जी का कोई बयान आया? भूपेश बघेल जी ने तो साफ बोल दिया भाई, अमित शाह जी को बोल दिया कि आप आ जाइए और आमने सामने बातचीत कर लेंगे, जो भी आपको लग रहा है, जो साक्ष्य चाहिए, जो आपको लग रहा है जहां जहां गड़बड़ियां हैं, जहां जहां आपको लग रहा है भ्रष्टाचार हुआ है, उस पर आमने सामने सवाल जवाब कर लेंगे। भूपेश बघेल जी ने तो साफ बोला, स्पष्ट बोला, लेकिन क्या नरेंद्र तोमर जी की तरफ से कोई राजनीतिक या कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आया? मेरा तो सिर्फ इतना सवाल है जी भाई। ठीक है, आर के मिश्रा जी से मैं जवाब ले लेती हूँ उस पर। अभी कह रहे थे जो कि उनका कोई मीडिया में या ऐसे सार्वजनिक जगहों पर उनका बयान आया नहीं आया, ठीक है, मैं एक चीज मानता हूँ, जो कि उनका बयान नहीं आया या किसी सरकार ने इस तरह की पहल नहीं की। नहीं भाई, आपको ऐसा लगता है तो आपके लिए न्यायालय के दरवाजे तो आपने हमेशा से ही तो हर वक्त खटखटाया है। आपने न्यायालय की बात नहीं हो रही, अरे बात सुनिए, तो हम करेंगे, सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपको और मोरल, अरे भाई जब आप ईडी और मोरल और नैतिकता की बात, जब आप भाई आप इतना नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं, जवाब दे दीजिए,
इतना जवाब दे दीजिए कि क्यों बीजेपी में सभी नेता साफ सुथरे हैं, आरोप लगते हैं तब भी आप बोल देते हैं कि ये सिर्फ आरोप है, मामले दर्ज नहीं है जब तक आरोप सिद्ध ना हो जाए, लेकिन अगर विपक्षी पार्टी की बात आती है तब आप बोलते हैं कि आरोप लग गए हैं, सीधा उन्हें जेल के पीछे भेज दीजिए, इस पर जवाब दे दीजिए। अब ईडी और सीबीआई के लिए जब कहते हैं जो कि नहीं ये टारगेट करके ये छापे मारते हैं, टारगेट करके रेड होता है, तो जब अदालत जब इनको वापस करके भेजती है तो वहां पर इनकी नैतिकता कहां चली जाती है? मैं यही तो पूछना चाहता हूं। आपके लिए न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं नरेंद्र, अगर पब्लिकली अगर स्टेटमेंट नहीं दिया तो आप न्यायालय में चले जाइए, देखिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही है लेकिन कोई मुद्दे पर बात नहीं करता है। जब यहाँ पर आपराधिक नेताओं को टिकट देने की बात की गई तब भी आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, और इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही, नमस्कार।